दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वाले आने वाले अगले 10 दिनों में आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर आज की इस खास वीडियो का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं कि अगले आने वाले 10 दिनों में क्या करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, क्या दुखदायी रहेगा और कौन सा बड़ा चमत्कार अब आपके साथ होने वाला है। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आगे आने वाले 10 दिनों को बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कितना ही अच्छा आचरण क्यों ना कर लें, अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है तो आप चार लोगों के बीच अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है तो ये बहुत मायने रखता है, परंतु अपनी बोली में भी मिठास रखिए, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से बोलते हैं मानो बोलने से ही वो जहर सामने वाले पर डाल रहे हों। इसीलिए ये चीज़ें आपके जीवन में सबसे ज़्यादा बाधाएं लाती हैं, इनसे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके अलावा देखिए, अब 10 दिनों में एक दिव्य चमत्कारिक साधु से होगी आपकी मुलाकात और वो देंगे आपको एक ऐसा आशीर्वाद जो आपकी नैया पलट कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में हम कई तरह के भिखारियों से मिलते हैं, कई तरह के मांगने वालों से मिलते हैं, परंतु दोस्तों उनके प्रति जो हमारा रवैया होता है उसके विपरीत रवैया होता है किसी भी साधु महाराज के प्रति। हालांकि मांग तो वो भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इस नज़र से देखते हैं और इस व्यक्ति को भिखारी की नज़रों से देखते हैं, इसके लिए इसके पीछे हमारी दिमागी भावना छुपी होती है। तो देखिए, ऐसे में आप एक बात का ध्यान रखिए कि गरीब इंसान चाहे जो भी है, भिखारी है, वो आपसे भीख मांगता है, भले ही आपके पास पैसे नहीं है उसे मना कर दीजिए, लेकिन दोस्तों आप उसे बेइज्जत मत कीजिएगा, इस बात का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में एक दिव्य साधु से आपकी मुलाकात होने वाली है। यदि आप उनका आदर सत्कार कर देंगे तो वो आपके घर आते हैं तो आप उन्हें खाना खिला दें या सिर्फ पानी ही पिला दें, कुछ खर्चा पानी दे दें, तो इससे वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। यकीनन उनकी दी हुई चीज़ आपको खास आपको बस खानी है, इस बात का खास ख्याल रखें, परंतु उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि यह आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत पुण्यकारी रहेगा। कहा जाता है कि साधु संतों का आशीर्वाद जीवन को पलटने वाला होता है, बुरे दिनों को दूर करने वाला होता है, इसीलिए दोस्तों उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें। बाकी आने वाले इस समय में किसी महिला मित्र की मदद से आपके कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। इस दौरान परिजनों और भाई बहनों से सहयोग ना मिलने के कारण आपका मन बस थोड़ा उदास जरूर होगा, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आपकी आय व्यय समान रहने की संभावना है, बस इस दौरान कठिन परिश्रम, संयम और प्रयासों से ही आपका बड़ा कार्य संपन्न हो पाएगा। बाकी संतान पक्ष को लेकर भी यहाँ आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा और मित्रों के साथ कोई गलत फहमी आपकी चिंता को बढ़ा सकती है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी घर में बनी पहली रोटी आप गौ माता को जरूर खिलाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवियां देवताओं का वास होता है, इसीलिए जब आप उन्हें अपने घर की पहली रोटी खिलाते हैं तो इससे आप समस्त देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं और ये काम आपको अगले 10 दिनों तक लगातार करना है, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, तो इसी तरह से आपको अपना जीवन जीना है। इसके अलावा देखिए, आने वाले ये 10 दिन हैं, यहाँ आप खुद को व्यर्थ के वाद विवाद से कोसों दूर रखिएगा, ये हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो इन चीज़ों में पढ़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। और देखिए, आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो इंसान इन झमेलों में उलझता है उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। बाकी इस समय अवधि में आपको अपने परिजनों और भाई बहनों का सुख सहयोग मिलने वाला है, बस यहाँ आलस्य करने से आपको बचना होगा और अपने प्लान के अनुसार ही सभी कार्य को करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि मुझे अब क्या करना है, परंतु आपको ऐसे नहीं बनना है, आपके पास पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए कि मुझे इस काम के बाद ये कार्य करना है,
फिर देखिए आपका समय भी बचेगा और आप सभी काम को सही ढंग से सही समय पर पूरा भी कर पाएंगे। बॉस की वाहवाही भी आप ही लूटेंगे। तो दोस्तों, समय आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, खान पान का ख्याल रखें, बाकी करियर कारोबार के हिसाब से भी समय ठीक ठाक नज़र आ रहा है। बस पूरा ध्यान आपको लगाना है, नहीं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बनती बात आपकी बिगड़ सकती है और लापरवाही के कारण तो व्यर्थ ही कुछ उलझने भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद में कोई महंगी वस्तु नहीं चढ़ानी है, केवल गुड़ और चना आपको साथ में भोग लगाना है। फिर देखिएगा कि आपका जीवन किस तरह से बुलंदियों की ऊंचाइयों पर जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले 10 दिन आप लोगों को काफी उत्तम फल देने वाला है, इसीलिए आप उनका सदुपयोग अच्छे से करते हैं तो सौभाग्य और किस्मत का पूरा साथ अब आपको मिलने वाला है। पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं, जिससे आत्मबल और इच्छा शक्ति में आपकी वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा देखिए, तुला राशि के व्यापारी वर्ग इस समय अवधि में काफी अधिक मुनाफा कमा पाएंगे और नौकरी पेशे जातक बहु प्रतीक्षित प्रमोशन हासिल करेंगे। और वहीं कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा और किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जमीन जायदाद संबंधी कार्य आपके पूर्ण होंगे, जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा यहां तुला राशि की महिलाओं का सामाजिक और धार्मिक कार्य में मन लगने वाला है। बस आपको शनिवार के दिन पक्षियों को विशेष रूप से दाना डालना है और हनुमान जी की पूजा करनी है। साथ ही देखिए, एक बात आप दिल से सोचिए कि इस दुनिया में जो भी जानवर है उनका अपना कौन है, वो केवल मानव जीवन पर ही आधारित है। वो आप पर भरोसा करते हैं कि आप उन्हें खाने के लिए कुछ देंगे, परंतु दोस्तों उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें मार देते हैं, उनको घर से भगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये कहीं भी मानवता की निशानियां नहीं है, बल्कि भगवान भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप पक्षियों के लिए अपनी छत पर दाना डालें, उनके लिए पानी भरकर रखें। आपके घर के बाहर जो गाय रहती है उसे आप प्रतिदिन रोटी खिलाइए, या आपके घर के आसपास अगर कोई कुत्ता है तो उसे भी आप भोजन दें। ये आपका कर्तव्य है। इस वजह से आपको पुण्य भी प्राप्त होगा और आप आगे भी हर काम में बढ़ पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपके बहुत ही बेहतर मुकाबले होने वाले हैं, जैसे नौकरी पेशा जातकों को तो नया पद मिलने वाला है और वहीं कारोबार में अप्रत्याशित लाभ और बाजार में अटका धन अब आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, इससे बढ़िया बात आपके लिए और क्या हो सकती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ एक और गंभीर बात निकल कर आ रही है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें श्रम के अनुसार सफलता मिलेगी, यानी जिनका श्रम ज़्यादा रहेगा उनकी सफलता बेहतरीन होगी और जिन्होंने श्रम नहीं किया उनकी सफलता अधूरी रहेगी। इसीलिए दोस्तों, पूरी मेहनत और लगन से आपको यहाँ जुटे रहना है। बाकी मित्रों और परिजनों का सहयोग आपके साथ है। और यदि बात करें लव लाइफ की, तो देखिए इस दौरान आपके प्रेम संबंधों की भी भावनाओं में नहीं बहना है, नहीं तो मुश्किलें आप पर पड़ सकती हैं। बाकी अगर आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए आप गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू किसी ब्राह्मण को दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत कारगर उपाय साबित होगा। इसके अलावा इन 10 दिनों में वैचारिक प्रखरता के साथ आपका आत्मबल बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी में अटके मामले अब आपको विजय दिलाएंगे और जो आपके शत्रु पक्ष हैं वो भी इस दौरान आपसे समझौता करने के लिए राजी होंगे। और यदि बात करें दांपत्य जीवन की, तो देखिए दांपत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे और नौकरी पेशा लोगों को कार्य कक्ष में बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। और वहीं तुला राशि के बेरोजगारों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बस इसके लिए आपको एक काम करना है कि प्रतिदिन सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही लक्ष्मी नारायण की भी साथ में पूजा करें, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का भी वास होगा और नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपको बस अपनी कुछ बेकार आदतों को छोड़ना होगा, जैसे आलस्य को त्यागना होगा, तभी आपके लिए ये समय उत्तम साबित होगा, नहीं तो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। इसलिए दोस्तों, खुद को एक तो गलत कार्य से आप दूर रहें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, विदेशी व्यापारी वर्ग को भी व्यवसाय में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष सफलता और लाभ मिलेगा। साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याओं का समाधान अब निकलने वाला है, यानी लंबे समय से अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था तो वो धन भी अब आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां आपको अपने धन को संचय करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये धन आपको भविष्य में बहुत ही सहायता पहुँचाएगा। इसीलिए ये चीज़ें आपको पहले ही सोच लेनी है कि अपना पैसा कहाँ
कहाँ आपको लगाना है, किस तरह से बचाना है, इसकी रूपरेखा आप बनाकर रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन 10 दिनों में जहां एक और शुभ फलों के संकेत हैं, वहीं कुछ कठिनाइयों के चलते मन थोड़ा परेशान भी हो सकता है। इसलिए कठिन परिश्रम और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप अपने इस समय को जरूर बिताएं साहस और आत्मबल से इच्छित सफलता अब आपको जरूर मिलेगी। आपके लिए किस्मत का दरवाजा खुल गया है, यहाँ हर तरफ से परिणाम आपके अनुकूल आने वाले हैं। बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अगर संभव हो तो यात्रा करने से ज़रूर बचें, और यदि यात्रा ज़रूरी हो तो यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों, समय हर तरफ से बड़ा ही बलवान नज़र आ रहा है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। क्योंकि आज हमने आपको बताया कि तुला राशि वाले लोगों के लिए आने वाले 10 दिन बड़े ही चमत्कारी साबित होंगे, क्योंकि यहाँ एक दिव्य साधु से आपकी मुलाकात होने वाली है, जिससे मिलकर आपका समय ही बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।